हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस शो। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे रेलवे में सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू से नौकरी मिल सकती है। हाँ फ्रेंड, आपने सही सुना है, इंटरव्यू से आपको नौकरी मिलेगी। तो वो कौन सी नौकरी मिलेगी और इसमें जो इंटरव्यू की डेट है वो कब तक है और आप इसमें कब तक इंटरव्यू दे सकते हैं और कब तक आपकी इसमें वे अब लग सकती है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और फ्रेंड, आप इसी तरह की न्यू वैकेंसी अपडेट्स पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर ओके कर दीजिए और पास में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो आइए फ्रेंड, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इंडियन रेलवे जॉब्स 2019 इंटरव्यू के आधार पर रेलवे दे रहा है नौकरी, जल्दी करें आवेदन। यानी कि आपके इसमें रेलवे है जो कि आपके राइटिंग एग्जाम नहीं करवा रहा है, कोई भी फिजिकल एग्जाम नहीं करवा रहा है, सिर्फ इंटरव्यू से ही आपको इसमें नौकरी देगा। तो कौन सी नौकरी देगा तो वो भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जॉब सेंट्रल रेलवे के नोटिफिकेशन जारी कर स्टाफ नर्स पदों पर आवेदन मांगे हैं। इसके लिए रेलवे परीक्षा आयोजन नहीं करेगा, इंटरव्यू के आधार पर ही इन पदों पर भर्तियाँ की जाएगी। एंड फ्रेंड, इसमें स्टाफ नर्स पदों पर भर्ती की जाने वाली है और देखिए, ये सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही आपका चयन होगा, इसमें कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं होगी। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी क्या रहने वाली, वो भी हम आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए आगे क्या दिया है, इंडियन रेलवे जॉब्स 2019, अगर आपके पास नर्सिंग डिग्री है और आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो भारतीय रेलवे आपको यह मौका दे रहा है। सेंट्रल रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर स्टाफ नर्स पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर भर्तियां होगी, यानी इसमें सिर्फ आप इंटरव्यू के आधार पर ही आपका चयन होगा। और देखिए, उम्मीदवार 29 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकेंगे। इंटरव्यू कहाँ और किस पते पर होगा इसकी जानकारी नीचे दी गई है। रेलवे इसके जरिए 31 स्टाफ नर्स पदों पर भर्ती करेगा, इसमें आपके 31 पोस्ट हैं जो कि स्टाफ नर्स की हैं। और देखिए, इसकी जो डेट है वो भी देख लेते हैं, हो सकता है कि इंटरव्यू 29 जुलाई के साथ 30 जुलाई को भी भरी जारी रहे। ऐसे में अगर आप उम्मीदवार से बाहर से आ रहे हैं तो 3 दिनों की तैयारी के साथ आए, यानी कि आपके इसमें 29 और 30 जुलाई 2 दिन भी इसमें लग सकते हैं, तो आप अपनी पूरी तैयारी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यहाँ का पता है वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। फ्रेंड्स, देखिए इसकी योग्यता देख लेते हैं। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन या डिफाइन का सर्टिफिकेट हो, क्योंकि इसका आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरा है जो कि जनरल नर्सिंग और मिड फाइन फ्री में कोर्स का सर्टिफिकेट या नर्सिंग BSc हो, ये आपके दो इसमें पॉइंट दिए हुए। और देखिए, उम्र सीमा की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए इन पदों पर आवेदन की उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष है, यानी 20 वर्ष से 40 वर्ष वाले इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना होगा, यानी कि इसका पता है वो भी हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस, डिविजनल रेलवे अस्पताल, सेंट्रल रेलवे भूसवाल, महाराष्ट्र, इसका पता है, यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। और देखिए, महत्वपूर्ण तिथियां मैंने आपको पहले भी बता दिया और भी आप देख लीजिए। वॉक इन इंटरव्यू 29 जुलाई 2019 को आयोजित होगा। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, ये आपके लिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो आप साइट देख रहे हैं जहाँ पर मैं आपको ये पूरी डिटेल्स बता रहा हूँ, इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। यहाँ पर आपको नई नई वैकेंसी के बारे में अपडेट्स मिलती रहेगी। और फ्रेंड, आप इसी तरह की न्यू वैकेंसी अपडेट्स पाना चाहते हैं लगातार, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके।